उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ की पुलिस ने 6 साल की बच्ची की हत्या के आरोप में एक सनसनीखेज खुलासा किया है। यहाँ एक मां ने अपनी 6 साल की बच्ची की हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया था। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि महिला ने अपने पति को फंसाने के लिए बेटी की गुमशुदगी की शिकायत भी पुलिस से दर्ज कराई थी। नोएडा पुलिस ने बताया कि बीते 12 नवंबर को नोएडा के सेक्टर 93 में एक बच्ची की लाश बरामद हुई थी। पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की थी। जांच में पता चला कि बच्ची का नाम नेहा शर्मा था, महज उसकी उम्र 6 साल की थी। पुलिस ने मामले में आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। महिला का नाम अनुराधा है, जो कि अलीगढ़ की रहने वाली है और नोएडा के सेक्टर 93 में रहा करती थी। जांच में पता चला कि मृतका की मां अनुराधा और उसके पति रामकुमार की शादी 12 साल पहले हुई थी। दोनों की 4 बेटियां हैं, लेकिन रामकुमार ने 2010 में दूसरी शादी कर ली। दोनों के पास दो दो बेटियां रहने लगी। दरअसल राजकुमार का सेक्टर 93 नोएडा में एक फ्लैट है, वह इसे अपने परिजनों को देना चाहता था। वहीं अनुराधा ने सोचा कि वह अपनी बेटी की हत्या कर पति को फंसा देगी, ऐसे में वह जेल चला जाएगा और उसके फ्लैट पर वह कब्जा कर लेगी। इसी वजह से अनुराधा ने अपनी बेटी को सुनसान जगह पर ले जाकर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को ले जाकर जंगल में फेंक दिया। इसके बाद दवाई लेने के बहाने वह ग्रेटर नोएडा चली गई और बाद में गायब हो गई। पुलिस ने जब महिला को तलाश कर पूछताछ की तो उसने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को जेल भेज दिया है।